हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में, और आई होप कि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये आईबीओ 1 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड। तो नॉन टैरिफ का मतलब होता है कि जो टैक्स के अलावा जब भी आपको बैरियर लगाना होता है किसी भी ट्रेड के ऊपर, तो आप टैक्स लगा देते हो उसके ऊपर ताकि उसकी प्राइस महंगी हो जाए और वो डोमेस्टिक मार्केट में वो ठीक तरीके से ऑपरेट ना कर सके। बट ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं, बैरियर्स हैं, जिसको जिनमें आप अलग अलग तरीके से ट्रेड को रोक सकते हो, तो उसको हम कहेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स। क्योंकि यहाँ पे आप टैक्स नहीं लगाते बल्कि अलग अलग चीजों के साथ जो है आप ट्रेड को रोकने की कोशिश करते हो। तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। So, as mentioned earlier, tariff is not only the instrument to restrict trade and give protection to the domestic import industry, है ना? जैसा कि यहाँ पे भी बोला गया और पहले भी मैंने आपको बताया है previous videos में कि ट्रेड एकमात्र उपाय नहीं है जिसके जरिए आप डोमेस्टिक इन्वायरमेंट को, डोमेस्टिक जो है कंपनीज को, सो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सको। आप और भी बहुत तरह की चीजें करके एक तरह से अपने डोमेस्टिक इन्वायरमेंट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो बाई इम्प्लाइंग बाई इम्पोजिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स। मतलब यहाँ पे टैक्स नहीं लगाते हो बट आप डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपना करके बाहर की कंपनीज को इंडिया में आने से रोकते हो ताकि हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं, जो जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उनको किसी तरीके से उस फॉरेन एनवायरनमेंट में जो कंपटीशन होता है उससे बचाया जा सके। राइट, द नॉन टैरिफ इंस्ट्रूमेंट्स आर न्यूमरस। नॉन टैरिफ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज डिसाइडेड टू बैन इंपोर्ट्स ऑफ कारपेट्स फ्रॉम इंडिया ऑन द ग्राउंड दैट चाइल्ड लेबर इज यूज्ड इन द इंडियन कारपेट इंडस्ट्री, टू विच द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैव सीरियस ऑब्जेक्शंस। देखो, अभी हाल में अमेरिका ने क्या बहाना बनाया, अमेरिका ने बोला कि बच्चों का इस्तेमाल जो है इस वाले काम में बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब वो लोग जो है हमारे यहाँ से कारपेट खरीदा करते थे, दरी खरीदा करते थे, तो उस दरी के ऊपर उन लोगों ने इल्जाम लगाया कि हमारे इंडिया में जब दरी का काम होता है तो दरी के काम में बच्चों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, इसलिए हम उसके ऊपर बैन लगा रहे हैं और हम इंडिया से दरी जो है नहीं खरीदेंगे। जबकि ये बात पार्शियली सच हो सकती है बट पूरी तरीके से ये सच नहीं है। बच्चों के बस की बात नहीं है दरी को तैयार करना, है ना? तो मेन बात यही है कि अमेरिका एक तरीके से अपने, और अमेरिका आपको शायद जान के हैरानी होगी कि अमेरिका और इंडिया का जब भी ट्रेड होता है तो अमेरिका हमेशा डेफिसिट में होता है। हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को ज्यादा है और अमेरिका से इम्पोर्ट बहुत ही कम है, तो हम एक तरीके से सरप्लस में रहते हैं हमेशा। इसलिए अमेरिका जो है टैक्टिक्स अपना करके हमारी जो इंडस्ट्री है उसको डिसरप्ट करने की कोशिश करता है बाई इम्पोजिंग दीज काइंड ऑफ बैंड्स, है ना? तो कारपेट इंडस्ट्री के ऊपर उन लोगों ने एक तरीके से बैन लगा दिया कि यहाँ पे जो है ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है। ह्यूमन राइट्स वालों ने भी कहा कि हाँ भाई, बात तो सही है, चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल होता है, इसी को एक बेस बना करके यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन लगा दिया। बल्कि ये सही नहीं है पूरी तरीके से, है ना? इन द पास्ट ऑन सो मेनी ओकेजंस कंसाइनमेंट्स हैव बीन रिटर्न्ड बाय यूएसए ऑन द ग्राउंड दैट दे पोज हेल्थ हैजार्ड्स टू द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। इसके पहले भी आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका ने बहुत बारी ऐसा कहा है कि जो हम प्रोडक्ट्स यहाँ से भेज रहे हैं अमेरिका को वो हेल्थ के लिए सही नहीं है वहां के लोगों के लिए। तो उन्होंने इस बेसिस पे हेल्थ हैजार्डस का नाम दे करके, हेल्थ हैजार्डस के बेसिस पे, ताकि उनके कंट्री को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, उनके कंट्री के लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, वो हमारे प्रोडक्ट को वापस कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है, है ना? Thus, human rights, damage to environment, health consideration, injury to domestic industries, etc. are the excuses offered by the importing countries to restrict or prohibit imports. तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो importing country के द्वारा बार बार की जाती हैं कि हमें ये problem है, हम इसको लाएंगे तो ये issue हो जाएगी, हमारी domestic company ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगी, और इसके कारण जो है वो लोग restrictions लगाती हैं trade के ऊपर। और उसमें एक जो major तरीका है वो है tariff का, मतलब tax लगा दो, tax बढ़ा दो ताकि लोगों को प्राइस ज्यादा लगे तो वो खरीदेंगे ही नहीं। और दूसरा है नॉन टैरिफ बैरियर्स, मतलब यहाँ पे आप टैक्स तो नहीं लगाते बट अलग अलग चीजों कर, मतलब चीजें कर करके ट्रेड को एक तरीके से रोकने की कोशिश करते हो। राइट, इस पैराग्राफ को मैं नहीं पढ़ रहा, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लासिक जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको अब एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नॉन टैरिफ बैरियर्स के तरीके हैं जिसके जरिए इंपोर्ट जो है वो लगाया जाता है। मैं इसको थोड़ा पढ़ ही देता हूँ। वेरियस नॉन टैरिफ बैरियर्स आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इम्पोर्ट्स और इन फेवर ऑफ एक्सपोर्ट्स। देखो, समटाइम्स फेवर की भी बात की जाती है कि फेवर दिया जाता है ना? तो लेट अस डिस्कस ब्रीफली मेजर काइंड ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स वन बाय वन।
तो ये हमारा एक एक करके हम करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा डोमेस्टिक कस्टम्स क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। चलिए फिर देखते हैं। द ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन पर्टिकुलर इम्पोर्टेड गुड्स डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज क्लासिफाइड इन द टैरिफ शेड्यूल एंड हाउ इट इज वैल्यूड बाय द कस्टम्स अथॉरिटीज, है ना। तो जो भी ड्यूटी इम्पोज की जाती है, ड्यूटी मतलब एक तरीके का टैक्स, है ना। जब आप टैक्स इम्पोज कर रहे हो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तो आप ये देख रहे हो कि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, वो किस तरीके से हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, उसको एक तरीके से डिसरप्ट कर सकती है। उसके अकॉर्डिंग जो है आप स्टेप्स लेते हो। किस तरह के स्टेप्स लेते हो मैं आपको बताता हूँ। दिस एम्बिग्युइटी प्रोवाइड्स कस्टम्स अथॉरिटीज अपॉर्चुनिटी फॉर आर्बिट्री क्लासिफिकेशन एंड डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अब यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा कस्टम डिपार्टमेंट है वो वैल्यू ऑफ गुड्स निकालने की कोशिश करता है। अब जब वैल्यू ऑफ गुड्स निकल जाता है, उसके बाद कस्टम डिपार्टमेंट क्या करेगा, कस्टम अथॉरिटीज यूजुअली चार्ज हायर ड्यूटीज व्हिच मे एक्ट एज अ डिटरेंट टू ट्रेड। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी को पता चला कि जो इंडिया में सामान बिक रहा है उससे कम दामों में फॉरेन से सामान आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ड्यूटी हम बढ़ा देंगे, टैक्सेस बढ़ा देंगे, जिसके जरिए आपका उनका जो सामान है, फॉरेन का जो सामान है, वो बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो वहां की जो कंट्री होगी वो बोलेगी कि आप जब बढ़ा करके हम आपकी कंट्री में, जब हम अपने मार्केट में जब अपने सामान को बेचेंगे, तो वहां तो लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हमारी प्राइस से तो ज्यादा उनको दिखेंगी, तो वो आपके लोकल मार्केट को खरीदेंगे। तो इस कारण से बहुत सारी कंपनीज क्या होती है, बहुत सारी कंट्रीज की कंपनीज क्या होती है, वो बैक ऑफ कर जाती है, वो किसी भी कंट्री में इंटरफेयर मतलब इंटर नहीं करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने कस्टम क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन तक करके जो है आपने नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया। आपने टैक्स लगाया नहीं, लेकिन आपने बोल दिया कि मैं टैक्स लगाऊंगा, तो इसी चक्कर में जो फॉरेन कंट्री की जो कंपनीज है वो भाग गई वापस कि भाई टैक्स लगा देंगे तो हमारे सामान तो बिकेंगे ही नहीं, राइट। आपको समझ में आ रहा है ना। दूसरा है सब्सिडीज। सब्सिडीज बहुत ही सिंपल सा चीज है, जैसे कि गैस। गैस का जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो जो भी डोमेस्टिक पर्पज का जो गैस होता है वो तकरीबन अभी 900 रुपए का है, और जो 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 हमारा क्या बोलूं, जो कमर्शियल गैस है वो 1000 रुपए का है, है ना। तो सपोज अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, सपोज बाहर से कोई कंपनी आ रही है जो कि हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक जो गैस है उसको वो लोग 700 रुपए में बेच रही है, तो हम क्या 900 रुपए वाला हमारे कंट्री वाला खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 700 रुपए वाला खरीदेंगे। तो उस केस में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चलो वो 700 रुपए में दे रही है, तो हम अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ की जो गैस कंपनीज है उनके गैस के प्रोडक्ट के ऊपर हम 300 रुपए का डिस्काउंट सब्सिडी दे देते हैं उनको। तो 900 रुपए का सामान बन गया, अब 600 रुपए का, 300 रुपए का सब्सिडी मिल गया, है ना। तो हमें अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉरेन कंपनी के गैस को नहीं खरीदेंगे, अब हम अपनी कंपनी के गैस को खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्सिडी मिल रही है, है ना। अभी देखना आपके साथ घर घर में जब आप बात करोगे गैस के बारे में, तो देखना पापा आपको बताएंगे कि जब आप गैस का सामान खरीदते हो तो 900 रुपए गवर्नमेंट काट लेती है, लेकिन कुछ पैसे जो है गवर्नमेंट वापस कर देती है आपके बैंक में, है ना। तो सब्सिडी एक तरीका होता है जिसके जरिए बाहर की कंपनीज को इंडियन मार्केट में या फिर किसी और मार्केट में, इंपोर्टिंग मार्केट में काम करने से रोका जाता है या उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं, और ये सही होता है, किसी भी कंट्री का हक बनता है कि वो ऐसा करे अगर उनको सही लगता है तो, ठीक है ना। नाउ इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स टू स्टिमुलेट द एक्सपेंशन ऑफ सच इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल टैक्स एग्जेम्पशंस, कैश डिसबर्समेंट्स, प्रेफरेंशियल एक्सचेंज रेट्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर स्पेशल प्रिविलेजेस और अदर फेवरेबल ट्रीटमेंट, है ना। तो ये देखो गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को, जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको फेवर प्रोवाइड कर रही है ना, प्रेफरेंशियल एक्सचेंज रेट्स प्रोवाइड कर रही है और उनको टैक्स एग्जेम्पशंस प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडी दे रही है, जिसके कारण से क्या होता है, जो डोमेस्टिक कंपनी है वो मजबूत होती है और जो बाहर की कंपनी है उनको उनको जो है काम करने में दिक्कत होती है ना। तो ये भी एक तरीका है बैरियर्स टू ट्रेड लगाने का, है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सब्सिडीज हेल्प कंपनीज टू बी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया 600 रुपए हमारा हो गया, तो अब हम कम्पीट कर पाएंगे बाहर की कंपनी के साथ, है ना। तो सब्सिडीज जो है वो हेल्प करती है हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को कि वो बाहर की कंपनीज के साथ कॉस्ट कंपेटिटिव अप्रोच के साथ वो काम कर सके। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर टू मेक द एक्सपोर्ट बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल एंड अट्रैक्टिव। अब यहाँ पे एक्सपोर्टर्स की बात की जा रही है कि गवर्नमेंट समटाइम्स क्या करती है कि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि उनका सामान जो है सस्ता हो जाए। अब उनका सामान जब सस्ता हो जाएगा तो किसी और कंट्री में जब वो जाएंगे तो वहां पे उनको सस्ता में बिकेगा, तो हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि वहां के लोग हमारे सामान को खरीदेंगे क्योंकि हमारा सामान जो है वो सस्ता है। अब समझ रहे हो। तो ये भी एक तरीका है कि एक्सपोर्टर्स को भी एक तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है और जो हमारे यहाँ की जो कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनीज है, उनको भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लेवल है वो बरकरार रहे, इक्विलिब्रियम बनाकर के रखा जा सके, है ना।
नाउ जो इधर का पॉइंट है उसको देख लेते हैं, लोकल कंटेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, है ना। अब सपोज किसी गवर्नमेंट ने ये एक तरीके से इम्पोज कर दिया कि आपको जो है अपना कंटेंट बढ़िया सा दिखाना पड़ेगा, आपको अपना काम जो अच्छा करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस आपको अच्छा करना पड़ेगा, तो ही आपको जो है यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। जैसे कि अमेरिका कर रही है कि आपका प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, हम आपके प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, बैन कर देते हैं। इस तरह की चीजें इंडियन गवर्नमेंट भी कर सकती है, करती है ना। तो लोकल कंटेंट रेगुलेशंस आर इम्पोज्ड ऑन सर्टेन इंडस्ट्रीज टू प्रमोट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एनकरेज द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। अब देखो कि सपोज हम कॉफी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, अब कॉफी हमें अगर ज्यादा पी रहे हैं तो कॉफी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा होता नहीं है, केरला में होता है, तो सपोज हमको बाहर से कॉफी मंगवाना पड़ रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया कि कॉफी के दाम के ऊपर प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं, है ना, या फिर एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हम लोगों ने ध्यान दिया। कॉफी का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, चाय। चाय के दाम हम लोगों ने घटा दिए, तो हम क्या करेंगे, हमें पता चले कि भाई कॉफी तो बहुत ही महंगा है, चाय सस्ता है, तो चलो चाय पीना शुरू कर देते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट इस तरह की चीजें भी करती है समटाइम, कि वो लोग जो सब्स्टिट्यूट है ना उसको तैयार करती है ताकि मार्केट को डिसरप्ट किया जा सके, इकोनॉमी को डिसरप्ट किया जा सके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दीज रेगुलेशंस सर्टेन परसेंटेजेस ऑफ इनपुट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक सप्लायर्स। अब इस तरह की जब चीज होगी, जो यहाँ पे कुछ और बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब इस तरह का एक लोकल कंटेंट की बात की जाए कि फॉरेन की कंपनी जब बाहर से इंडिया में आ रही है, तो उनको जो काम करना होगा वो लोकल लोगों को लेके करना होगा, लोकल प्रोडक्ट्स को लेके करना होगा, लोकल जो रॉ मटेरियल्स उनको लेके करना होगा, तो एक तरीके से उसका फायदा हमें भी मिलेगा। मेड इन इंडिया के तहत जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, बाहर की कंपनीज इंडिया में आके सामान बना रही हैं, तो उनको यहाँ से लेबर मिल रहा है, यहाँ से रॉ मटेरियल मिल रहा है, यहाँ से कैपिटल मिल रहा है, उनको हर चीज जो है यहाँ से लेना पड़ रहा है। तो इससे क्या फायदा हो रहा है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट का जो रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉयटेशन ठीक तरीके से हो रहा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है और यहाँ के लोगों को भी काफी हद तक फायदा पहुंच पा रहा है। तो ये इस तरीके से कंडीशन लगा दिया जाता है कि आप बाहर की कंपनी हो लेकिन आप जब इंडिया में काम करोगे तो इंडिया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे ताकि हमें बेनिफिट हो पाए, है ना। तो ये बात यहाँ पे बोली गई। इन द सेम वे फॉरेन इन्वेस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सपोर्ट अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स आउटपुट फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री अंडर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, सेम टू सेम यहाँ पे बोला गया कि सपोज कोई फॉरेन इन्वेस्टर है जो कि बाहर से आकर के इंडिया में काम करिए, सपोज अभी सैमसंग की बात हो रही थी कि सैमसंग जो है गुड़गांव में अपना एक सेंटर खोलेगा जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग हब खोलेगा, जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा उनके फोन्स को, तो जो मैन्युफैक्चर किया जाएगा ऐसा तो नहीं है कि उसके फोन सिर्फ इंडिया में बिकेंगे, बाहर भी जाएंगे। तो बाहर जब आप जाओगे, है ना, तो जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो ये है परसेंटेज है वो इंडियन गवर्नमेंट का उसमें होना चाहिए। जो इंडियन डोमेस्टिक कंट्रीज हैं वो एक तरीके से यहाँ के इनपुट का आप इस्तेमाल करके उसको बाहर में बेचो, ताकि उसका जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट की कंपनीज को या फिर इंडियन कंपनीज को भी मिल सके। इससे क्या होगा कि इंडिया का भी फायदा है और जो फॉरेन कंपनीज है उनका तो फायदा है ही, है ना। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। अब चलते हैं, रिमेनिंग कुछ पॉइंट्स बचे हैं उनको भी कर लेते हैं। जी, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जब हम कर लेंगे तो